ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। बहुत सारे जातक मुझे कमेंट्स करते हैं कि पंडित जी, हमारी शादी होने में बहुत सारी तकलीफें हो रही है, बहुत सी रुकावटें हो रही है, अड़चनें आ रही है और हमारा विवाह नहीं हो रहा है। तो अगर आपका विवाह होने में कई सारी परेशानी तकलीफ हो रही है तो 2023 में आपको किन उपायों को करना चाहिए, विवाह से संबंधित जिन उपायों को करने से आपकी विवाह जल्द से जल्द हो जाए, आपको अच्छा पति मिले, अच्छी पत्नी मिले, आपका दाम्पत्य खुशहाल रहे और बहुत सी चीज़ें अच्छी हो। खासकर उन लड़कियों के लिए जिनके मन में बहुत सा डर होता है कि हमें अच्छा पति मिलेगा या नहीं मिलेगा, लड़कों के लिए भी वो डर होता है। तो इस पूरी परेशानी से, इस पूरी बाधा से आप बच सकते हैं सिर्फ जो मैं उपाय आपके साथ साझा कर रहा हूँ इन उपायों से। यह उपाय अभी तक आपको किसी ने साझा नहीं किए होंगे और ये उपाय बहुत सीक्रेट है और सीक्रेट होने के साथ साथ ये पहली बार ही आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। और इन उपायों को करने से शत प्रतिशत आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप बहुत ही ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आपके विवाह में आने वाली रुकावटें, अड़चनें, इन सभी से आप बच पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर हमारे चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फ़ीस शुल्क लागू है दोस्तों। इसके साथ ही साथ यहाँ से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, एक एक बातों को बहुत बारीकी से समझना। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात है कि जो विवाह की आप बहुत टेंशन लेकर बैठे हैं दिमाग में, इस टेंशन को रिलीज़ करें। क्योंकि राहु की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि जिस चीज़ को आप पकड़ के रखे हुए हैं कि शादी होगी नहीं होगी, क्या होगी, तो उन कामों में आप डिले करेंगे। तो सबसे पहला उपाय है कि आप अपनी शादी की जितनी सारी मन में टेंशन चल रही, इनको डिलीट कर दें, अपनी लाइफ से भूल जाए, बिल्कुल कूल और शांत हो जाए। ये पहली बात है। दूसरा करना ये है कि जो भी अपने घर के आसपास पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ में दूध, हल्दी, शक्कर, इन तीनों चीज़ों का मिश्रण जल में मिलाएं और पीपल की जड़ में हर सोमवार आपको अर्पित करना है। कम से कम 5 सोमवार कर सकते हैं, अधिकतम 11 करें, लेकिन हर सोमवार आप कर सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत आप करें, 16 सोमवार का व्रत तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। और सबसे महत्वपूर्ण कि गुरु के उपाय ज़रूर कराएं। गुरु से संबंधित अगर महिला हैं तो गुरु से संबंधित जप अवश्य कराएं, अगर आप पुरुष हैं तो शुक्र से संबंधित जप अवश्य कराएं, क्योंकि दाम्पत्य के स्वामी इनके पास ही होता है। तो ये चीज़ें आपको अनिवार्य रूप से कराना है। बहुत सारे लोगों को मंगल भात पूजा अवश्य रूप से कराएं और एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण एक अच्छे ज्योतिषी से आप ज़रूर करवाएं। उनके उपाय, उनके हल वो एक बार आप ज़रूर करें तो उससे भी आपकी लाइफ में एक बदलाव होगा। तो यही तरीके हैं शीघ्र शादी होने के और यही कुछ तरीके जो मैंने आपके साथ साझा किया। अच्छा लगा लाइक करें। ओम नमः शिवाय।